हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बहुत सारे इंडियन कार के साथ वाटर स्पीड बम्प जंप चैलेंज। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो अपने पास कितने सारे इंडियन कार है, और आज दोस्तों हम लोग इन सभी इंडियन कार को यहां से लेकर के जाने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो कि यहां पर कितने बड़े बड़े स्पीड बम्प्स हैं, और दोस्तों हमने ऐसे स्पीड बम्प्स बनाए हैं ताकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं आए, क्योंकि भाई ज़्यादा पानी आएगी तब तो भाई इधर ही अपनी कार बंद हो जाएगी। लेकिन भाई जो भी काम अपना कार को करना है वो यहाँ तक कम से कम सही सलामत आनी है, सभी अपनी कार्स को वाटर स्पीड बम्प्स को क्रॉस करते हुए। फिर यहाँ से अपने सभी कार्स को स्पीड बूस्टर लगेगी, और स्पीड बूस्टर लगने के बाद यहाँ से दोस्तों करनी है जंप। इसलिए मैंने आपको बोला वाटर स्पीड बम्प जंप चैलेंज। तो यहाँ से अपने सभी कार्स को जंप करना है, और भाई इन सभी को जंप करते हुए यहाँ पर इस रेड वाले एरिया पर जो भी अपनी कार आ जाएगी वही अपनी विनर बनने वाली है। तो देखने वाले हैं कौन कौन सी जो अपनी इंडियन कार है वो इसको जंप कर पाएगी। सबसे पहले दोस्तों यहां पर चैलेंजेस आप देख सकते हो कितना बड़ा है, वाटर है, स्पीड बम्प्स है, फिर जंप है, तो काफी खतरनाक आज का यह चैलेंज होने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपनी इंडियन कार को लेकर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी अपनी कार इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी। तो सबसे पहली जो अपनी कार होने वाली है वो होने वाली अपनी महिंद्रा XUV 500। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये कैसी जंप ले पाएगी। क्या लगता है आपको अपनी जो XUV 500 है क्या सही सलामत जंप ले पाएगी, क्योंकि भाई स्पीड बम्प पे कार पड़ने के बाद भाई पलटेगी भी, जैसा कि आप देख सकते हो। ओहो, और भाई अपनी XUV 700 क्या गजब जंप मारी है, और भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भाई यहाँ पर इसकी स्पीड मेंटेन है, और देख सकते हो भाई अपनी जो XUV 700 काफी मस्त जंप मार चुकी है। और भाई साहब फाइनली जो अपनी फर्स्ट कार है वो भाई साहब इसमें विनर बन चुकी है। यार देखो बहुत ज्यादा ये कठिन चैलेंज है, लेकिन यार अपनी जो XUV 700 है वो काफी मस्त कार है भाई, जंपिंग के लिए भी बेस्ट कार है। तो इसलिए भाई ये मिशन को कर पाइए, और कार्स को काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो चलिए लाते अपनी नेक्स्ट कार को। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी महिंद्रा XUV 700। तो चलिए अपनी 700 को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या ये 500 की जैसी परफॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आपने देखा आपने जो 500 है काफी बेहतरीन परफॉर्म की थी, लेकिन भाई 700 के साथ काफी बुरा हुआ। और मैं यही आपसे बोल भी रहा था कि भाई यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत होगी कि सही सलामत भाई पहले स्पीड बूस्टर के यहाँ तो सभी अपनी कार्स को पहुंच जाने दीजिए, फिर भाई जंप कैसी होगी वो देखने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई 700 जंप मारी है, लेकिन भाई ये नहीं जा पाएगी क्योंकि भाई इसकी स्पीड ही उतनी ज्यादा नहीं हुई है, क्योंकि ये पहले ही भाई साहब गिर पड़ चुकी थी जैसा कि आप देख सकते हो। तो अपनी जो यार XUV 700 है वो भाई इस मिशन को फेल कर चुकी है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी सुजुकी डिजायर। तो चलिए अपनी सुजुकी डिजायर को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो डिजायर है क्या इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी। अभी आपने देखा अपनी जो 700 थी वो भाई साहब यहाँ पर पलटी है, और उसके चलते भाई वो फेल की है। और भाई देख सकते हो अपनी जो डिजायर है भाई इसकी भी स्थिति काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। तो भाई यहाँ पर हो सकती है इसके साथ दिक्कत, लेकिन भाई अपनी जो डिजायर है वो स्पीड मेंटेन करने में माहिर है। तो देखते हैं भाई साहब ये कैसे जंप ले पाती है। और आप देख सकते हो भाई साहब डिजायर अपनी भाई साहब बहुत ही अच्छी तरीके से इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है। वैसे भाई डिजायर का भी हालत स्पीड बम्प्स पे तो खराब हो ही चुका था, लेकिन भाई ये जल्दी से स्पीड पकड़ दिया, इसके चलते भाई ये जंप अच्छा खासा ले पाई है। तो चलिए चलते अपनी नेक्स्ट कार की तरफ और लाते अपनी महिंद्रा थार को। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली है अपनी महिंद्रा थार। तो चलिए अपनी प्यारी सी थार को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो थार है वो कैसी परफॉर्म कर पाएगी। भाई जंप अच्छा लेगी तभी कुछ हो सकता है। और भाई देख सकते हो अपनी जो थार है भाई क्या गजब स्पीड बम्प्स पे भाई पड़ने के बाद इसकी बुरी हालत हो गई है, लेकिन फिर भी अपनी थार को लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो थार है वो जंप कैसी ले पाएगी। पता नहीं मुझे कि ये जंप पूरी तरीके से प्रॉपर कर पाएगी या नहीं। नहीं भाई, देख सकते हो अपनी जो थार है वो भाई साहब XUV 700 के बगल में ही आकर के गिर चुकी है, क्योंकि भाई आपको पता है कि जो भी कार पहले पलटेगी उसकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो जाएगी और भाई वो जंप नहीं ले पाएगी। तो चलिए इसको यहीं पर साइड लगाते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी Scorpio S11। तो चलिए अपनी S11 को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो S11 है वो जंप कैसी ले पाएगी, क्योंकि भाई स्पीड बम्प से अगर सही सलामत निकलेगी तभी भाई अपनी जो कोई भी कार हो वो जंप ले पाएगी। और भाई देख सकते हो अपनी जो S11 है उसके साथ भाई काफी बुरा हुआ है, ये स्पीड बम्प से लड़ी है। तो देखते हैं भाई ये आगे कैसे जा पाएगी, काफी ज्यादा वाटर लेवल यहाँ पर है। तो देख सकते हो भाई अपनी स्कॉर्पियो S11 वाटर को चीरते फाड़ते हुए भाई साहब जंप लगा चुकी है, और
भाई देख सकते हो काफी गजब इसकी जंप रही है और भाई फाइनली अपनी जो S11 है वो इसको मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए उसको यहीं पे साइड लगाते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी किया सेल्टोस। तो चलिए अपनी किया सेल्टोस को लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो किया सेल्टोस है वो कैसी जंप ले पाएगी और स्पीड बम्प्स में कैसे वो हैंडल कर पाएगी, तो ये देखने वाली बात होगी। तो देख सकते हो भाई किया सेल्टोस बहुत बेहतरीन, बहुत गजब आगे भाई साहब क्या ही अच्छे से जा पाएगी और भाई इसकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो गई है तो पता नहीं ये जंप कैसे ले पाएगी और भाई काफी गजब। और भाई ये बिल्डिंग पे गिरी है, क्या उस पार तक जा पाएगी? नहीं भाई साहब, जैसा कि आप देख सकते हो यार काफी मस्त ये भी फिर भी यार जंप मार दी थी, लेकिन भाई वो जो रेड पॉइंट अपना बनाया गया उस पर ये नहीं गई है। वैसे भाई इसकी परफॉर्मेंस काफी बेस्ट है और भाई बोल सकता हूँ कि ये अपने मिशंस को पास कर चुकी है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी टाटा हैरियर। तो चलिए अपनी टाटा हैरियर को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो टाटा हैरियर है वो कैसी परफॉर्म करेगी। अभी आपने देखा अपने जो किया सेल्टोस है काफी बेहतरीन परफॉर्म किया, तो देखते हैं अपनी जो टाटा हैरियर है वो कितनी दूर और कहां तक सही सलामत जा पाती है। नहीं भाई, देख सकते हो अपनी जो टाटा हैरियर है भाई काफी ज्यादा बुरी फंसी हुई है, लेकिन इसकी जंप ठीक ठाक होती है तो देखते हैं क्या ये जंप ले पाएगी, क्या हुए उस पार तक जा पाएगी। और देख सकते हो भाई अपनी जो टाटा हैरियर है वो भाई साहब वहां पर नहीं गड़बड़ाती तो भाई अपने मिशंस को कर लेती, लेकिन अपनी जो टाटा हैरियर है वो भाई इस मिशंस को फेल कर चुकी है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी किया सोनेट। तो चलिए अपनी किया सोनेट को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो किया सोनेट है वो कैसी जंप ले पाएगी और कैसी परफॉर्म कर पाएगी। तो यहां चलिए अपनी किया सोनेट और भाई देख सकते हो ओ भाई बहुत ज्यादा इसका बुरा हालत हो चुका अपनी किया सोनेट का, तो थोड़ा सा इसको यहाँ से रोटेट करना पड़ेगा हमको और भाई सब यूटर्न लेने के बाद देखते हैं कि अपनी जो किया सोनेट है क्या भाई उस पार तक जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। वैसे इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है तो देख सकते हो भाई अपनी जो किया सोनेट है भाई बहुत ही अच्छा तरीके से जंप मारी है और भाई अपने मिशंस को कंप्लीट कर पाई है। किया सोनेट भाई दोनों तरफ से काफी बेहतरीन परफॉर्म किया, देख पाओ वाटर स्पीड बम्प्स को भी काफी अच्छे से और भाई ये जंप भी काफी अच्छा ली है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी देसी महिंद्रा बोलेरो। तो चलिए अपनी बोलेरो को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो बोलेरो है वो कैसी परफॉर्म कर पाएगी। तो जरा इसको मैं यहाँ से आराम से ले चलने की कोशिश में करता हूँ, क्योंकि भाई साहब आपको पता है कि बोलेरो में काफी ज्यादा भाई साहब जंपिंग होती है, तो काफी ज्यादा जंप करने के चक्कर में भाई ये अभी ना गिर जाए ये मैं नहीं चाहता। तो यहाँ पर आ चुके अपनी बोलेरो और भाई देखते हैं कि क्या ये कैसी जंप ले पाती है, क्या ये उस पार तक जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। और देख सकते हो भाई साहब अपनी बोलेरो और भाई पूरी की पूरी बिल्डिंग को जंप कर चुकी है और भाई देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जो बोलेरो है वो भाई इस मिशन को कंप्लीट कर पाई है। तो चलिए इसको यहीं पर साइड लगाते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी टाटा सफारी। तो चलिए अपनी टाटा सफारी को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो टाटा सफारी है वो कैसे वाटर स्पीड बम्प्स और जंप को कंफर्म कर पाएगी, कैसे ये कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो देख सकते हो भाई अपनी जो टाटा सफारी है भाई साहब काफी बेहतरीन दो तीन स्पीड बम्प्स को किया, लेकिन भाई यहाँ पर इसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है और देखते हैं भाई यहाँ से जो अपनी टाटा सफारी है वो जंप कैसी ले पाएगी। नहीं भाई ये तो यहीं भी बंद हो जाएगी मुझे पर लगता है जहाँ पर, क्योंकि भाई पानी काफी ज्यादा आ चुकी है और भाई देख सकते हो अपनी जो टाटा सफारी है वो काफी ज्यादा फंस चुकी है। तो चलिए इसको यहीं पर साइड लगाते हैं और चलते अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी हुंडई क्रेटा। तो चलिए अपनी क्रेटा को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो क्रेटा है वो कैसी परफॉर्म कर पाएगी। तो यहाँ से चलिए अपनी क्रेटा और भाई आगे देखते हैं ये कैसी जंप ले पाती है और काओ भाई ओ भाई ये क्या हुआ क्रेटा के साथ, भाई ये खुद ब खुद कैसे पलट चुकी है भाई साहब, ना वहां पर पानी था ना कुछ, लेकिन फिर भी यार अपनी जो क्रेटा है वो पलट चुकी है। तो देखते हैं भाई साहब ये जंप कैसी ले पाएगी। तो यहां पर लगी स्पीड बूस्टर, पानी भी है लेकिन भाई इसको चीरते फाड़ते अपनी क्रेटा निकल चुकी है और भाई ये कितना बड़ा जंप ले पाएगी। नहीं भाई साहब जहां पर अपनी XUV 700 खड़ी है वहीं पर आकर के गिरी अपनी क्रेटा और भाई साहब ये अपने मिशंस को फेल कर चुकी है। तो चलिए इसको यहीं पर साइड लगाते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी सुजुकी विटारा ब्रेजा। तो चलिए अपनी सुजुकी विटारा ब्रेजा को लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो सुजुकी विटारा ब्रेजा है वो कैसी परफॉर्म कर पाएगी। क्या लगता है आपको अपनी जो ब्रेजा है क्या इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी? और भाई ब्रेजा का भी सेम हालत हुआ है जो अपनी क्रेटा के साथ हुआ है, पता नहीं यार अचानक से कैसी ये दोनों कार पलटी है मुझे नहीं पता। तो देखते हैं भाई अपनी जो ब्रेजा है वो कैसी जंप ले पाएगी। वैसे भाई ब्रेजा की स्पीड काफी अच्छी खासी होती है, तो देखते हैं भाई सब यहाँ से स्पीड लगने के बाद ये कैसी स्थिति में जा पाती है, क्या ये पूरे के पूरे बिल्डिंग को जंप कर पाएगी या नहीं। नहीं भाई देख सकते हो
अपनी जो ब्रेजा है वो भाई साहब जहाँ पर अपनी क्रेटा गिरी है वहीं पे गिरी है, और भाई ये भी अपने मिशन को फेल कर चुकी है। तो चले चलते अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। सो गाइस, अब जो हमारी अगली कार होने वाली है वो होने वाली अपनी टोयोटा इनोवा। तो चलिए अपनी इनोवा को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई अपनी जो इनोवा है वो कैसी परफॉर्म कर पाएगी, क्या ये वाटर स्पीड बम्स को भी अच्छे से क्रॉस कर पाएगी या नहीं, मुझे नहीं पता भाई साहब, देख सकते हो। और भाई साहब यहाँ पर इसकी हालत अभी ही खराब हो चुकी है क्योंकि भाई और यहाँ पर पानी भी काफी ज्यादा है। वैसे भाई पानी को तो काफी अच्छा से कर लेती है लेकिन भाई जंपिंग में इसको दिक्कत हो रही है मुझे पता है जहां तक। और भाई बहुत अच्छा जंप मारी है और देख सकते हो भाई साहब फिर भी यार इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी जंप मारी है, तो काफी अच्छा जंप मारी है। लेकिन भाई ये भी अपने इस मिशन को फेल कर चुकी है, आधा मिशन को कंप्लीट किया है भाई साहब वाटर स्पीड बम्स को, लेकिन भाई जंप को उतना नहीं कर पाई है। तो चलिए लाते इस मिशन की अपनी आखिरी कार सुजुकी वैगनआर को। सो गाइस, इस मिशन की जो हमारी आखिरी कार होने वाली है वो होने वाली अपनी सुजुकी वैगनआर। तो चलिए अपनी सुजुकी वैगनआर को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये जो अपनी लास्ट कार है क्या इस मिशन को कंप्लीट कर पाएगी, क्योंकि भाई आज का जो अपना सभी का सभी जो कार्स परफॉर्म किया है उसमें से कार्स भाई बहुत सारी कार्स भाई इस मिशन को फेल किया है। तो देखते अपनी वैगनआर, ओ भाई मुझे तो इसकी उम्मीद ही रही थी और भाई क्या गजब परफॉर्म किया अपनी जो लास्ट कार है, ओ भाई साहब बहुत बेहतरीन। और देख सकते हो भाई अपनी जो सुजुकी वैगनआर है भाई साहब इस मिशन को बहुत ही सिंपल तरीके से पास कर चुकी है। यार मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये भी भाई अपने इस मिशन को करेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से भाई इस मिशन को किया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम आपसे मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।